हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक फूड्स बाय शशि। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि इसको आप एक बार बना के महीनों तक स्टोर कर सकते हैं और बनाने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। मेरी गारंटी है कि इस तरह से आपने पहले मसाले वाले समोसे नहीं बनाए होंगे, क्योंकि इसको मैंने बिल्कुल ही नए तरीके से बनाया है। एक बार अगर आप इसको बनाकर खा लेंगे तो हर बार मेरा ही तरीका अपनाएंगे, अपना सारा तरीका भूल जाएंगे। और इसको बनाना इतना ही आसान है कि कोई भी बिगेनियर इसको बहुत आसानी से बना सकता है। इसमें बहुत कम मेहनत लगता है और बहुत आसानी से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी बन करके तैयार हो जाती है। ये मसाले वाले समोसे चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक सबके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के इनको बनाना। इनके लिए हमने मूंग की दाल को भिगो के 2 घंटे पहले रख दिया था। देखिए ये अच्छे से फूल चुकी हैं, अब इनको हम पीस लेंगे। महीन पीसना है एकदम, बिल्कुल भी इनमें दाल नहीं बचनी चाहिए। देखिए इनको मैंने बहुत महीन पीस लिया। अब इसमें हम कुछ भी नहीं मिलाएंगे, ना नमक ना हल्दी, कुछ भी नहीं। डायरेक्टली इनको हम ऑयल में डाल देंगे, जैसा हमने पीसा है बिल्कुल वैसा ही। एक एक चम्मच की हेल्प से मीडियम फ्लेम पे हम इसको डाल रहे हैं। फ्लेम को हाई नहीं करना है, नहीं तो अंदर तक ये कुक नहीं होने वाले। जब तक इनमें बुलबुले दिख रहे हैं तब तक हम इन्हें टच नहीं करेंगे। जब बुलबुले हमारे शांत हो जाएंगे तो इन्हें उलट पलट के हमें पका लेना है और इसको हमें ऑयल से बाहर निकाल लेना है। देखिए बिल्कुल भी इनमें ऑयल नहीं रह जाता जब ये पूरी तरह से पक जाते हैं। तो अब इन्हें हम ठंडा कर लेंगे और जब ये छूने लायक हो जाए तो इन्हें हम तोड़ के इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है। अपने जानने वालों में शेयर ज़रूर करिएगा। तोड़ के इन्हें मिक्सर जार में डाल के हमने पीस लिया है, तो देखिए ये बिल्कुल ही पीसे हुए फॉर्म में आ चुका है। अब दूसरे बैच में हम काली मिर्च और छोटी इलायची डाल के पीस लेंगे, ताकि इनका फ्लेवर इनमें आ जाए और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टेस्ट आएगा इनमें। और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे कढ़ाई में, हींग डालेंगे, जीरा डालेंगे, उसके बाद अपने इन पीसे हुए दाल के पाउडर को इसमें हम डाल देते हैं और इनको 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। इसमें हम लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च तो पहले से पड़ चुकी है, थोड़ी सी जीरे का पाउडर डालेंगे और इनको हम भून के ठंडा करेंगे। उसके बाद चलते हैं इसका हम आटा लगा लेते हैं। तो 3 कप हमने मैदा लिया है, थोड़ी सी इसमें हम डाल रहे हैं मंगलैल, इसको कलौंजी भी बोलते हैं। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे सॉल्ट और इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे इसको खस्ता करने के लिए। घी या बटर या मलाई जिसका इस्तेमाल आप करना चाहें आप कर सकते हैं। और इनको हम ऐसे देखिए लड्डू बनने लग जाएगा जब, अभी थोड़े लड्डू नहीं बन रहे बढ़िया से, तो थोड़ा सा ऑयल हम इसमें और ऐड कर लेते हैं। बहुत बढ़िया से इसको मसल मसल के हमें पूरी तरह से इसमें ऑयल को अब्सॉर्ब करना है। उसके बाद इसमें हम गर्म पानी डाल के इसका सख्त डो तैयार करेंगे। सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारे समोसे जो है वो बढ़िया से क्रिस्पी नहीं बनेंगे, वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालना है ताकि ज़्यादा गीला ना हो और एकदम सख्त सा हमका इसका डो तैयार कर लेना है। थोड़ी आपको मेहनत ज़रूर लगेगी क्योंकि मैदा काफ़ी स्ट्रेची होता है, तो उसको डो लगाने में हमें बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। पर जब ये रेसिपी बन के तैयार होती है तो खाने में जितनी मज़ेदार लगती है ना, वो सारी मेहनत सफल हो जाती है। तो अपनी फेस्टिवल की जो भी रेसिपीज़ आप बना रहे हैं उसमें इसको आप ज़रूर से शामिल करिएगा, क्योंकि मीठा खाने में तो कुछ लोग कतराते हैं पर नमकीन ज़रूर खाते हैं, और ऐसा नमकीन अगर मिल जाए खाने के लिए तो फिर क्या ही बात है। तो देखिए हमारा सख्सा डो लग के तैयार हो चुका है, अब इसको रख देते हैं साइड में। एक स्लरी तैयार कर लेते हैं। हमने 2 चम्मच मैदा लिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसकी अच्छी सी स्लरी तैयार कर लेते हैं। इससे हम अपने समोसे को चिपकाएंगे ताकि वो ऑयल में जाने के बाद बिल्कुल भी फटे नहीं। नॉर्मल पानी से भी चिपका सकते हैं, बट पानी से चिपकाने में थोड़ा सा डाउट रहता है कि शायद खुल जाए, बट अगर हम स्लरी बना लेते हैं तो उससे बिल्कुल भी खुलने का डर ख़त्म हो जाता है। अब अपने मैदे को बढ़िया से हम एक बार और सान के और उसकी छोटी छोटी पूड़ी जैसी लोइयाँ ले लेंगे, और जितना बड़ा साइज़ आपको चाहिए उस हिसाब से आप इनको बेल लीजिएगा। और जो स्लरी हमने बनाई है उसको ब्रश की या हाथों की हेल्प से आप पूरे सरफेस पे लगा दीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए मोड़ना कैसे है इसको, जो सीधा वाला पार्ट है उस तरफ रख के एक कोना बना लेना है हमें, जैसे मूंगफली वाले कोने बनते हैं
और उसमें जितना आसानी से भर जाए उतना मसाला हमें इसमें भर देना है। और उसके बाद दोनों तरफ से दबाते हुए इसको आपस में चिपका देना है। ये देखिए बस हो गए हमारे छोटे मसाले वाले समोसे रेडी। अब ऐसे ही करके हमें सारे के सारे मैदे जितने भी बच रहे हैं सबकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बना के स्लरी लगा के काट के सीधे वाले हिस्से की तरफ से हमें इसमें कोन बना करके और बस सब में मसाला भर करके हमें रेडी कर लेना है। ऐसा करने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा मज़ा आता है छोटे छोटे समोसे को बनाने में भरने में। बड़े समोसे तो सभी बना लेते हैं आसानी से, पर छोटे वाले में थोड़ी दिक्कत होती है, पर एक दो बनाने के बाद काफ़ी आसान हो जाता है और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग जाता है। तो देखिए ऐसे ही करके हमने सारी लोइयों को बेल के काट के भर के सारी के सारे समोसों को हमने रेडी कर लिया है। अब चलिए ऑयल गरम कर लेंगे, उसके बाद फ्लेम को कर देना है बिल्कुल ही स्लो और अपने सारे समोसों को डाल के उसमें उलट पलट के इन्हें हमें बढ़िया सा क्रिस्पी सा कलर आने तक कुक कर लेना है। एक बैच को कुक करने में हमें 7 से 8 मिनट लगते हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंस रखिएगा, तेज़ बिल्कुल भी मत करिएगा आँच को, नहीं तो ये इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, अंदर तक बढ़िया से क्रिस्पी नहीं होंगे। तो देखिए 7 से 8 मिनट लगे हमें और मेरे एक बैच तल के रेडी हो चुका है। दिखने में कितना बढ़िया सुनहरा कलर आया है इनमें। और ख़ास बात ये है इनकी कि इनको आप स्टोर करके रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने अभी बनाया तो इसे अभी ही खाना है, आप इसको महीनों तक खा सकते हैं एयर टाइट डिब्बे में रख के। और दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया है, ये भी अभी फटाफट से बन के जल्दी से निकल आएगा। बुलबुले जब शांत हो जाए तब समझ जाइए कि इनमें बढ़िया सी क्रिस्पीनेस आ चुकी है। जब तक बुलबुले हैं तब तक इनको आप एक साइड पकने दीजिएगा, यही तरीका होता है किसी भी तलने वाली चीज़ को पकाने का। उलट पलट के इनको भी हम जल्दी जल्दी से पका लेते हैं। और देखिए थोड़ा सा बचा था आटा तो मैंने छोटे छोटे उसमें हार्ट का शेप भी बना के डाल दिया है। छोटे बच्चों को आप दे सकते हैं ऐसे बना के किसी भी शेप में, शेप भी वो सीख लेंगे और उनको खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो देखिए मैंने सारे के सारे मसाला समोसी बन कर के हो चुके हैं रेडी। अब इनको आप रखिए एयर टाइट डिब्बे में, महीनों तक खाइए, मेहमानों को खिलाइए, तारीफ़ें पाइए ढेर सारी। कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।